Yesterday we were doing some names of alkyl groups. How to write name of saturated hydrocarbon, that is alkane. We had seen that for one carbon we use the word methane, two carbon ethane, propane, butane, pentane, decane. If it is 11 carbon, undecane, and 12 carbon, then dodecane. फिर हम पढ़ रहे थे अल्काइल ग्रुप्स किसको बोलते हैं. तो अल्काइल ग्रुप्स आर व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम पेरेंट अल्केन, देन द ग्रुप ऑब्टेंड इज नोन एज अल्काइल ग्रुप. मतलब इट इज अल्काइल ग्रुप, उसको प्रीफिक्स भी बोला था, साइड चेन भी बोला था. It is connected to main chain. That is called alkyl group. Methyl likha tha kal, ethyl, propyl, isopropyl. These are very important. Jab tak aap 11th 12th padhoge, organic padhoge, tab tak ye aapka picha nahi chhodenge. To better hai ki hum isko yaad rakhe. Ab aata hai butyl, 4 carbon. 4 carbon se jo butyl banta hai, uske 4 ब्यूटाइल पॉसिबल हो सकते हैं, जो 4 कार्बन की फॉर्म में मेन चेन से कनेक्ट हो सकते हैं. फर्स्ट इज एन ब्यूटाइल, 2, 3 एंड दिस 4, एंड दिस कार्बन इज जॉइंड टू द मेन कार्बन चेन. व्हाट इज इट्स नेम? एन नॉर्मल ब्यूटाइल. एन ब्यूटाइल मींस नॉर्मल ब्यूटाइल. फिर दूसरा आता है सेकेंडरी ब्यूटाइल. उसमें ऐसा होता है 3 कार्बन, यहां पे एक नीचे मिथाइल, और यहां से कनेक्ट होगा ये ग्रुप मेन चेन से. दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल. इसको ऐसे भी लिखते हैं एसीसी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल. अब जरूरी नहीं इसी तरीके से लिख के देगा वो हमेशा. सेकेंडरी ब्यूटाइल होता है जिसमें 4 कार्बन का चेन है और बीच वाला कार्बन है जो मेन चेन से कनेक्टेड होता है. इसी ग्रुप को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, CH2, CH, यहाँ CH3, देयर इज नो डिफरेंस. यही ऑर्गेनिक का कमाल है, हर तरीके से लिख सकता है वो हमको कंफ्यूज करने के लिए. इन ऑर्डर टू मेक अस कंफ्यूज, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेम है लेकिन लिखने के तरीके अलग है. कोल एंड बॉन्ड है ना, डायरेक्शनल होता है, किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं. मिथाइल को नीचे नहीं बना के उसने ऊपर लगा दिया, दोनों ही सेकेंडरी ब्यूटाइल है. ओके, इसी चीज को ऐसे घुमा के भी लिख सकता है CH, यहाँ पे CH3, फिर इधर फिर CH2, CH3, ये भी सेकेंडरी ब्यूटाइल है. तो यहां जो दिया है एज इट इज वहां भी होगा, कोई नक्की नहीं है. पहचानना पड़ेगा 4 स्ट्रेट चेन कार्बन, बीच वाला जो कार्बन है वहां से ग्रुप कनेक्ट होगा मेन चेन से, देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल. तीसरा इसमें आता है आइसोब्यूटाइल. CH3, इस CH3 को इसके नीचे ले लो, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल. वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है. चार स्ट्रक्चर्स बना के दिए थे और बोला था इनमें से कौन सा आइसोब्यूटाइल है. तो जब उसने बनाया था नीट वाले ने पेपर में, तो इस तरीके से नहीं बनाया था, ऐसे बना के दिया था. मैंने बोला वो कंफ्यूज करता है, ऑर्गेनिक हमेशा कंफ्यूज करता है. तो आम बना लेना है, तो आने असर कुछ है, कोई डिफरेंस नहीं. देयर इज नो डिफरेंस इन दिस एंड दिस स्ट्रक्चर. यू शुड नो द स्ट्रेट चेन ऑफ 3 कार्बन, मिडिल पे मिथाइल, स्ट्रेट चेन ऑफ 3 कार्बन, मिडिल पे मिथाइल.
आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमको, प्रैक्टिस से आता है, ऐसे देखने से नहीं आता, ड्रॉ करो 10 बार तब जाके समझ आएगा. दिस इज कॉल्ड आइसो ब्यूटाइल. लास्ट है इसमें टर्शरी ब्यूटाइल. टर्शरी वर्ड क्या होता है? एक कार्बन अगर 3 कार्बन से कनेक्टेड होता है, इफ अ कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 other carbon atom देन इट इज कॉल्ड टर्शरी. जैसे ये कार्बन है 3 कार्बन से कनेक्टेड होगा, यहां से मेन चेन से जुड़ा होगा, क्या बोलोगे इसको? टर्ट ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल. क्या बोलते हैं? टर्शरी ब्यूटाइल. तो ब्यूटाइल में 4 ग्रुप हो सकते हैं. अगर 4 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है तो दे हैव डिफरेंट नेम्स. इट इज एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल एंड टर्शरी ब्यूटाइल. हाउ दीज ग्रुप्स आर कनेक्टेड इन द मेन चेन और आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए, सपोज वी हैव दिस टाइप ऑफ कंपाउंड 1, 2, 3, 4. Here 1, 2, and 3. Suppose this is the compound given. The straight chain is this one. And yahan kar do CH2CH3. And yahan bhi kar do CH2. Kabhi kitna hua hai? Ek baar baat ho na thi. This is a straight chain. To this straight chain hydrocarbon, this group is attached. This is called side chain. Kya bolte hai isko? Side chain. और क्या बोला था मैंने कल? प्रीफिक्स. और क्या बोला था इसको? प्रीफिक्स, साइड चेन, ब्रांच्ड, कुछ भी वर्ड बोल सकता है. अब आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो जो साइड चेन है उसका नाम क्या हो सकता है? साइड चेन जो हमने बनाया है उसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल. ऊपर तो कार्बन गिनेंगे हम कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो इट इज नॉन एन. But how to give the name to the side chain? That we have to identify what is it. देखा है तो छे, नीचे 4 कार्बन छे. 4 कार्बन होए तो N ब्यूटाइल भी होए, आइसो ब्यूटाइल भी होए, सेकेंडरी भी होए, ना टर्शरी भी होए. आ सोचे, this is टर्शरी ब्यूटाइल. इसी ग्रुप को अगर ऐसे लिख दिया हो, this way. कार्बन दिख रहे हैं हमको, कौन सा ग्रुप है ये? सेकेंडरी ब्यूटाइल. व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप इट इज? सेकेंडरी ब्यूटाइल. और देखिए इसी चीज को वो इस तरीके से भी चेंज करके हमको बोल सकता है ना? कैसे? CH2, CH, here CH3. कौन सा ग्रुप हुआ अभी? Which group it is? It has 4 carbon. So it would be isobutyl. We should identify. કયો ગ્રુપ છે ઈ? આપણને આઈડેન્ટિફાઈ કરતા આવડવું જોઈએ. બનેલું હોય તો આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જાય. This is called isobutyl. If the same group, 4 carbon group, is written like this, CH2, 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 and CH3. अब ये कौन सा ग्रुप है? स्ट्रेट है. मैंने उधर नहीं बना के नीचे बना दिया है. मैंने बोला कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं. आपको जैसे सीधा सिखाया है हमेशा सीधा ही बनाएंगे, ऐसा नहीं. आपको देखना है वो सीधा है कि नहीं. ये सीधा है. इट इज एन ब्यूटाइल. तो विच ग्रुप इज अटैच्ड एज अ साइड चेन, एज अ प्रीफिक्स, that we should know. So this is called N-butyl. Clear? 5 carbon में एक important है, उसका नाम है neopentyl. क्या नाम है? Very important. Neopentyl. This group.
This is called neopentyl. આઈ થી આ મેઇન ચેઇન થી કનેક્ટેડ હશે. આજે આપણે ડેશ મૂકીએ છીએ ને, એ ડેશ નથી, શું છે? બોન્ડ છે. જોઈએ ગ્રુપ, મેઇન જો કાર્બન કા ચેઇન હૈ ઉસસે જુડા હોતા હૈ. કિસી સે તો જુડા હોગા ને, તો સાઇડ ચેઇન, ઉસકો કિસી સે તો કનેક્ટ કરના પડેગા. તો એ કિસસે કનેક્ટેડ હોતા હૈ? ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ ધ મેઇન કાર્બન બાય ધીસ કાર્બન એટમ. This is called neopentyl. देखिए मैं इसमें अटैच करके बताती हूँ आपको. यही ग्रुप, ये CH2 ये रहा. उसके बाद एक कार्बन, तीन मिथाइल, टू एंड दिस थ्री. Which group is this? This is called neopentyl group. So neopentyl side chain group is connected to the main chain non-N है. लेकिन उसके साथ जो नीचे साइड चेन है उसका नाम लिखना पड़ेगा, और उसका नाम क्या होगा? नियोपेंटाइल. इतने आपको याद रखने हैं. और ये मैंने आपको जैसे बोला, जब तक ऑर्गेनिक पढ़ोगे, पढ़ना ही पड़ेगा. जब तक क्या, 11, 12 एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ेगा. उस वक्त आपको ये हर चैप्टर में काम आएगा. बोलेगा नियोपेंटाइल अल्कोहल की फॉर्मूला बनाइए, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड की फॉर्मूला बनाइए. નિયોપેન્ટાઇલ તો ઈનું ઈચ છે ને, પછી બ્રોમાઇડ ને આલ્કોહોલ હોય, એમાઇન હોય કે એલ્ડિહાઇડ હોય, અહીંયા તમારે અટેચ કરવાનું. નિયોપેન્ટાઇલ ફિક્સ છે, પછી ફિક્સ હોય એ ત્યારે ને ત્યારે લર્ન કરી લેવાય. ધેટ વિલ બી બેટર, બીકોઝ સિલેબસ વિલ ઇન્ક્રીઝ ઓનલી ડે બાય ડે, ઇટ વિલ નોટ ગોઈંગ ટુ ડિક્રીઝ. હું તો પછી કરી લઈશ, બારમામાં હોય તો અત્યારે કેમ. જે બીમારી હોય ને દૂર કરી લેવાય તો સારું પડે, પકડીને લે સાથે સાથે ચાલો તો એ ન દૂર થાય ને બીજાને કઈને ગ્રો થવા દે. ક્લિયર? સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ધીઝ ગ્રુપ્સ એન પ્રોપાઇલ, આઇસોપ્રોપાઇલ, બ્યુટાઇલ મેં ચાર, નોર્મલ બ્યુટાઇલ, સેકન્ડરી બ્યુટાઇલ, ટર્શી બ્યુટાઇલ એન્ડ આઇસોબ્યુટાઇલ, એન્ડ ધ લાસ્ટ ઇઝ નિયોપેન્ટાઇલ. इसके पीछे भी कहानी है. जब नियोपेंटेन बनाया था किसी साइंटिस्ट ने, तो बड़ा अजीब सा लगा था उसको स्ट्रक्चर. वो नियो 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 करके चिल्ला के बाहर आया था. नियो का मतलब होता है न्यू, मुझे कुछ नया मिला है ऐसे, है ना. राडू पाड़ी पाड़ी ने बाहर आए, वो तो नियो 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 आम करे नाम से पड़ी गयो नियोपेंटेन. नियोपेंटेन इज द कॉमन नेम. क्लियर? कॉमन नेम तो सब अपने 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 हिसाब से रखते हैं. जैसे घर में कोई बहुत लंबा होता है तो हम उसको लंबू बुलाते हैं, तो वो उसका कोई परमानेंट नेम थोड़ी होता है. ऑफिशियल नेम तो अलग होता है ना. कॉमन नेम हम हमारे हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं. तो इसका कॉमन नेम क्या रखा? नियोपेंटेन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नियोपेंटाइल. तो दीज आर द अल्काइल ग्रुप्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब अपन पढ़ रहे हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ branched chain alkane compounds. Very important rules and regulations are there. Just note down. Rules कोई पूछेगा नहीं आपसे कि nomenclature के rules लिख के बताइए. Nobody will ask. हमको understand करके उसको apply करना है. और छेक सुधी apply करूँ चाहे मैं कहूँ ना, जार सुधी organic भणो त्यार सुधी apply करूँ चाहे. जे छोकरा organic ने practice वधारे करे, ये लोकाने बहुत सारू फावी जाए, कोई दी फूलता नथी. आमा practice जो है, मैंने समझाई कि that's it, no चाले. It requires more practice. Once you practice, it will be in your mind permanent. अपच्छी काई नहीं था है. Okay? चले start करते हैं. Nomenclature of branched chain alkanes. कुछ rules हैं. First rule इसमें. Short में लिखेगा. Whatever be the compound given, chain rule बोलते हैं इसको. Rules for nomenclature of organic compounds. Rules for naming branched chain alkane. Branched chain alkane. उसके rule पढ़ रहे हैं अपन. सबसे पहला rule है chain rule. Very important. ये रूल फॉलो करके नेम करना है. कहीं भी इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी. भले 12th आ जाए, 11th आ जाए, चेन रूल पहले का मतलब है
First of all, in a given compound, we have to select. दो बातें याद रखनी है, longest and continuous. Longest and continuous chain of carbon atom. Chain of carbon atom. Longest भी होनी चाहिए, मतलब उसमें maximum carbon होने चाहिए और continuous होनी चाहिए. क्या मतलब है दोनों का, अभी अपन देखते हैं. So what is the first rule? Chain rule. We have to select the longest continuous chain of carbon atom. देखिए by two or three examples. Suppose we have this type of compound, CH3, here CH, CH2, CH3, here we have CH3. Second compound is, always write examples so that you come to know how to write formulas. Name देने के लिए सबसे important rule है. Chain गलत select किया तो पूरा हो जाएगा program. Second compound. This is third. अल्केन का ही कर रहे हैं ना अभी, तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ही होंगे, उससे अलावा तो कुछ होगा नहीं. इसमें हमें एक लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो और कंटिन्यूअस चेन हो. कंटिन्यूअस का मतलब होता है एक बार अगर आप टर्मिनल से सबसे पहले तो स्टार्ट करना है, यहां से चेन, बीच में से चेन बनाना स्टार्ट नहीं करते मैंने ये कार्बन उठाया और यहां से चेन बना लिया. नो, टर्मिनल पकड़वानू, छिल्लू कार्बन हो ही पकड़वानू. आ टर्मिनल के बाद छेड़ो के बाद, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल कार्बन, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल कार्बन, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल. पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. 1, 2 and 3 टर्मिनल कार्बन आते हैं. कोई भी एक टर्मिनल कार्बन पकड़ के कंटिन्यूस लॉन्ग चेन आपको बनाना है. कैसे, देखिए सपोज मैंने ये कार्बन पकड़ा, बॉन्ड के थ्रू ही जाना है और एक बार हाथ आगे चला पीछे नहीं आना चाहिए, उठना नहीं चाहिए. कैसे, यहां से हम स्टार्ट किया, बॉन्ड के थ्रू चले इधर, फिर इधर चले, कितने कार्बन मिले, 3. क्लियर. लेकिन अगर मैं यहां से यहां चल के नीचे आ जाऊं तो मुझे कितने कार्बन मिलेंगे, टोटल 4. तो दिस चेन आई विल सेलेक्ट एज अ लॉन्गेस्ट एंड द कंटिन्यूअस चेन. वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट दिस वन. We can start from this terminal. 1, 2, 3 and 4. We cannot do like this. 1, 2, 3, 4 and then here 5. Don't jump it. Bond hoy to jagad ek sath jaba na baki nahi jaba. So which is the correct longest continuous chain? This one. Maximum carbon aava joye. Agar mo straight chain banao to to tran carbon aave. 1, 2, 3. And 4. Ambi chale 4 carbon. This is called parent chain. क्या बोलते हैं इसको, parent chain. जो longest chain बनता है, that is known as parent chain. So first rule, very important rule, select the parent chain, longest and continuous chain. अगर वो chain गलत select हुआ तो किसी भी कीमत पे नाम सही नहीं होगा. Step है ना, पहला स्टेप ही गलत रख दिया तो फिर तो आगे तो रिजल्ट आना ही नहीं है. वेरी इंपॉर्टेंट रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड द कंटिन्यूअस चेन सो दैट करेक्ट नेम आपको मिले. अब इसमें करते हैं सिलेक्ट, टर्मिनल पकड़ के करते हैं. देखिए यहां से मैंने स्टार्ट किया, क्लियर, 1, 2. अब दो रास्ते निकल रहे हैं, एक आगे जा रहा है एक नीचे आ रहा है. जहां पे जाने से मुझे ज्यादा कार्बन मिलेंगे उस डिरेक्शन में मुझे जाना है. अगर मैं यहां से यहां गई और फिर नीचे आई तो मुझे एक पे स्टॉप होना पड़ेगा, और यहां से अगर आगे जाती हूं तो मुझे लंबा रास्ता मिलेगा, लंबे रास्ते पे जाना. तो 1, 2, 3 फिर यहां अटकी, नीचे भी आ सकती हूँ उधर भी जा सकती हूँ. कहां जाऊं तो मुझे ज्यादा कार्बन मिलेंगे, डाउन ओनली 2, दैट साइड 1, 2, 3. सो आई मूव स्ट्रेट, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन.
This is the longest chain of carbon atom. Longest chain means it should contain maximum carbon. It should be continuous. You cannot move like this. 1, 2, 3, 4, 5. But here, where is it? 6, 7, 8. I am not. एक सतत कंटिन्यूअस चेन बनानी चाहिए. थर्ड वन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इफ आई मूव स्ट्रेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 नो चाले 1, 2, 3, 4, 5, 6 नो चाले. सात कार्बन नी चेन मैक्सिमम बने चाहिए. दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम. फर्स्ट ऑफ ऑल chain rule, that is you have to select the longest continuous chain of carbon atom. Very important. ये अगर सही select किया है तो 90% chances है कि आप जो compound का नाम लिखोगे वो correct होगा 90%. और अगर ये गलत कर दिया तो 100% chances है कि नाम सही होगा ही नहीं. Okay? So first rule is longest chain rule. It should be longest. It should be continuous, and you cannot make a chain from between carbon. But बच्चे थी नहीं बना रहा. आइए start कर दे तो 1, 2, 3, 4. आम नहीं. छेड़ो पकड़ बना. Either from this terminal or from this terminal, any terminal you have to grab and you have to move to the other terminal. एक terminal थी बीजा छेड़ा सुधी जवान. कब लेते बे छेड़ा पकड़ी. Longest or a continuous chain we have to prepare. Okay. नेक्स्ट. अब जो चेन आपने सेलेक्ट किया है, नेक्स्ट रूल नंबर रूल. नेक्स्ट रूल इज नंबर रूल. अब जो चेन आपने सेलेक्ट किया है उसको आपको नंबर करना है. उसको नंबरिंग करना है. नंबरिंग करना है इन द सेंस 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर देना है. कोई भी टर्मिनल पकड़ के हमको उसको नंबरिंग करना है. नंबरिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना है? नंबरिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जितनी भी साइड चेन्स हो उन्हें मिनिमम नंबर मिले. चेन लॉन्ग सेलेक्ट करना है और नंबरिंग रूल में क्या बोल रहा है, व्हाटएवर बी द branched chain present, they should get least number. See the example. Suppose we have this compound. Clear? This is the compound. We have to select the long chain. First rule, the long chain. Direct number start थोड़ी कर देंगे. पहले हम long chain select करेंगे. लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने के बाद उसको नंबर करना है. चलिए सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम. टर्मिनल से स्टार्ट करना है. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर 1, 2, 3, 4 नो चाले 1, 2, 3, 4, 5 बता रहे कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6 अजी बता रहे कार्बन. तो दिस इज अवर लॉन्ग चेन. तो जरूर थोड़ी यहीं से स्टार्ट करना. मैंने आपको क्या बोला, कोई भी टर्मिनल पकड़ सकते. मैंने ये टर्मिनल पकड़ा 1, 2, 3, 4, 5, 6. दिस इज अवर लॉन्ग चेन. क्लियर? सिलेक्टेड मैक्सिमम कार्बन हाउ मेनी 6. बाकी बना रहे थे तो कोई 4 का चेन था, कोई 5 का था. दिस इज ऑफ मैक्सिमम कार्बन एटम. नाउ व्हाट टू डू, वी हैव टू गिव द नंबर. कैसे करेंगे नंबर? कोई भी एक टर्मिनल से नंबरिंग करना है. जैसे यहां से स्टार्ट करूं मैं, कार्बन को नंबर देना 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6. एक तो ये तरीका हो सकता है, दो ही तरीके हैं. एक तो ये तरीका है कि मैं यहां से स्टार्ट करूं 1, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4, 5 और 6. क्लियर? या दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है, यही कंपाउंड है, कंपाउंड यही है, इसमें कोई फर्क नहीं है. दूसरा कौन सा तरीका है नंबर देने का वो मैं आपको बताती हूँ. दिस इज द लॉन्ग चेन. वी कैन राइट, वी कैन गिव द नंबर फ्रॉम दिस कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. देयर आर टू वेज.
Either we can start from this carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6 or from next terminal. Which is correct? Which is correct? Bemati kayo sachu. Second one is correct. Why this is correct? That one is not. Numbering is done in such a way that side chain jis carbon se connected hai, usko kam number milna chahiye. यहाँ पे ये जो साइड चेन है वो थर्ड कार्बन पे आया और अगर ऐसे नंबरिंग किया तो ये जो साइड चेन है वो फोर कार्बन पे आया. तो नंबरिंग विल बी डन इन सच अ वे दैट ब्रांच्ड जो है साइड चेन जो है उनको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, कम से कम नंबर मिलना चाहिए. So second way of numbering is correct. और एक example देखिए. Number rule में है. This is CH3, CH2, CH, here CH3, CH, CH3 and CH3. This is the right part. पहला रूल तो दिमाग में रखना है कि चेन सेलेक्ट करना है. चेन सेलेक्ट किए बिना तो नंबर कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्ग चेन. करते हैं सेलेक्ट 1 2 3 4 5 करेक्ट, 1 2 3 4 5 करेक्ट, 1 2 3 4 नो. तो स्ट्रेट चेन इज द लॉन्गेस्ट चेन. क्लियर? अब इस चेन को हमको नंबर करना है. दो तरीके बताए थे, 1, 2, 3, 4 or 5 either or. इसी कंपाउंड को लिख रही हूं मैं. What is the second way of giving number? 1, 2, 3, 4 and 5. अब दो है, अब कौन सा करेक्ट है? Which is correct? Sum of locant must be minimum. दो साइड चेन है. सेकेंड चेन इज करेक्ट. यस बेटा, सेकेंड इज करेक्ट. टू साइड चेन्स आर देयर. दिस इज कनेक्टेड टू फोर्थ कार्बन, दिस इज कनेक्टेड टू थर्ड कार्बन. एट देयर लोकेंट आ चौथा कार्बन थी या त्रीजा कार्बन थी कनेक्टेड. सो बेने प्लस करी जो 7 मळे. सेकेंड वाला मा दिस मिथाइल इज कनेक्टेड टू 2, दिस इज कनेक्टेड टू थर्ड कार्बन. Calculate the sum of locant, it is 5. Minimum देना है. Numbering में हमेशा minimum select करना है. Sum of locant must be minimum. NEET G में rules से related questions आते हैं. Rules से related. ऐसा question दे दिया और आपसे बोलेगा बिना chain select उसने किए, बिना उसने numbering डाले, वो आपसे पूछेगा कि इनमें से सम ऑफ लोकेंट क्या होगा. तो आप नंबर दीजिए, फिर सम ऑफ लोकेंट निकालिए और उसके बाद उसका आंसर दीजिए. छोटी छोटी चीजें चेक करते हैं, वो कोई बहुत बड़ा बड़ा चेक नहीं करते नीट जी वाले, बेसिक्स चेक करते हैं. सो व्हाट इज द करेक्ट सम ऑफ लोकेंट फॉर दिस कंपाउंड? इट इज 5. दिस इज कॉल्ड नंबर रूल. एक और है इसमें. फर्स्ट वॉज इफ ओनली वन साइड चेन इज देयर, ट्राई टू गिव मिनिमम नंबर to it. If two or more side chains are there, find out minimum sum of locant. चारों को करके देख लीजिए आप कौन से किस कार्बन से कनेक्टेड है, जिसमें सबसे कम होगा सम, that is the correct way of numbering. One more is there, that will do tomorrow. That is alphabetic rule. Attend the classes regularly, you will be perfect in giving names. Okay, but